मुदस्सिर सर, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं भाई साहब। आज फिर हम जो है ना गांव में आए हैं। आपको पता है मैं कुछ दिनों से जंग में हूँ और आज जो है मैं गांव आया हूँ। आज हम जो है ना शिकार करेंगे और देखेंगे जो है ना गांव का माहौल कैसा है। आम भी लगे हुए, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं और जो है ना आज गाँव में इंजॉय करेंगे। चलो सलाम अलैकुम दादा, वो की हाल है? ठीक हो? ठीक है। इंडिया में कौन सा गाँव था आपका? हाँ पिंड। अच्छा जिला होशियारपुर। होशियारपुर के हैं दादा बू भाई हमारे? जो होशियारपुर के लोग हैं, अगर उनके पास कोई वीडियोस वगैरह ऐसी हो या फिर कोई पुरानी तस्वीरें हो कुछ हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, अगर इंडिया से कोई देख रहा है, है ना भाई? हमारे दादा अबू को बहुत याद आती है भाई इंडिया की। हुक्का पी रहे हैं दादा बू भाई। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, उन्होंने शिकार पे जाना है तो अभी जो है उसकी प्रैक्टिस हो रही है। ये हैं भाई साहब राणा आतिफ और ये हमारे चाचू हैं और ये बच्चे हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। गाय को मत मार दीजिएगा कहीं। वो निशाना है यार, है अभी प्रैक्टिस चाहिए भाई हमें। इतनी जल्दी आसान नहीं है कि फ़ौरन से जो है निशाना लग जाएगा, इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। जब चाचू लगाते चेक कर, नहीं लगा। ये वीडियो ऑन होते ही चाचू के निशाने भी हैं। अब लगेगा, अब गुड। हाँ अब लगेगा। चले भाई, फाइनली हम लोग खेतों में तो आ गए हैं। अभी असल में यहाँ पे गंदम की जो कटाई है वो हो गई है और जो है वो कुछ और फसलें हैं अभी चल रही है, अभी तो छोटी छोटी है। देख ये सामने यहाँ पे घास लगा हुआ, इसी तरीके से जो है ना कुछ नई फसलें भी बीज इन्होंने बो दिया। तो अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे आए, पहले तो उन्होंने जाना था जंगल शिकार करने के लिए, लेकिन एक शिकारी था उसने जो है एंड टाइम पे हमें टोपी करा दी। तो अभी देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन है। शिकार का जो टाइम होता है ना वो होता है सुबह के टाइम और शाम के टाइम, और अभी हम लोग जिस टाइम आए अभी बज रहे तकरीबन 3 या 3:30 बज रहे, तो इस टाइम कहाँ से शिकार होगा, लेकिन चलो देखते हैं क्या पता हो जाए। सामने बहुत बड़ा पेड़ है तो आतिफ का कहना ये है कि उससे यहाँ पे हमें मिल जाए। देखते हैं मिलते हैं। पेड़ तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, उससे पेड़ कुछ मिल जाए। हम उसे ढूंढ क्या रहे हैं? अच्छा तो फिलहाल कौओं की आवाज़ें ही आ रही। तो शिकार उसका उस परिंदे का करना चाहिए जो आप खाओ, वरना जो है ना शिकार फिर उसको इस्तेमाल किया जा सके, वरना ऐसे फजूल में शिकार खेलना ये मुनासिब बात नहीं है। ऐसे ही नहीं आप बिचा बिला जाके कौओं को मार रहे हो और इनको मार रहे हो। शिकार ऐसा करना चाहिए जो बंदा खुद खा सके फिर, और खाना भी चाहिए। ऐसा ना शिकार करके फेंक दे ये मुनासिब बात नहीं। फिर तो कुछ दिखा है हम लोगों का, हम देख रहे हैं कि हम लोग देखना चाह रहे हैं क्या ये ये बैठी हुई है सामने, नहीं कुछ और है। हाँ हाँ ये बैठी हुई है ना सामने, वहाँ में चिड़ी है, चिड़ी है, चिड़ी है। आज तो लगता है चाचू कौवे ही नसीब में है। आज कौवे ही नसीब में है भाई। यार पेड़ कैसा है, ठंड है ना इसके साए में कि मैं आपको क्या बताऊं यार। हाय हाय हाय, यहाँ पे बंदे के चारपाई लगी हुई हो, लस्सी पड़ी हुई हो और आराम से खाए पिए ऐश करे सो जाए चिल कर। चले मैं यहाँ पे कुछ नज़र आया, हम लोग यहाँ पे जो है ना ट्यूबवेल में नहाने आए हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना आतिफ ने देख लिया। अब चाचू देखेंगे कि ये वही चीज़ें या नहीं। ओए बच गई, बच गई यार, जोड़ी थी लेकिन बच गई। हो सकता है एक कॉल पड़ती ना तो दूसरा उसका इंतजार करने के लिए आती तो उसको भी फड़का देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उड़ गई। चाचू का निशाना जब काम पड़ता तो फिर चूक जाते हैं। पत्थरों को सही मारा है आपने। चाचू ने पत्थरों को सही निशाना मारा है। इधर पानी देखे कितना क्लियर, सुभान अल्लाह भाई। बेशक शिकार मिले ना मिले, लेकिन देखने में आपको लगना चाहिए कि बहुत बड़ा कोई शिकारी है आतिफ। हाँ जी। हाँ
ये लगे हैं हमको, बहुत है माशाल्लाह। हाँ ये रही, ये एक बड़ी गलत बात है, जब भी मैं आता हूँ आम कच्चे होते हैं, अंगूर कच्चे होते हैं, गन्ना कच्चा होता है, कि पकते कि जिस मौसम में उस मौसम में आना पड़ेगा। सामने सोलर प्लेट्स और ट्यूबवेल का पानी, हाँ जबरदस्त। ये देखिए भाई साहब, जहाँ धूप होगी मैनुअली घुमा लो इसको। हैं सर, ये कितने किलो वाट्स का सिस्टम है? 15 किलो वाट्स का सिस्टम है। ये एक 500 वाली, 540 वाली लगी हुई प्लेट, ये 500 वाली। अच्छा, 15 वाट का सिस्टम लगा, 15 केवी का सिस्टम लगा, 15 केवी का लगा। ये वाला सिस्टम जो है ना, अभी सिंध में अगर आ जाए ना तो इससे बड़ी बड़ी हेल्प हो जानी है, क्योंकि वहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा मसला है और पानी का भी बहुत ज़्यादा मसला है। ये भाई साहब केले लगे हुए हैं, अच्छा हाँ ये फूल है केले का। कब से वहाँ से दूर से यही देख रहा था, मैंने कहा ये क्या लगा हुआ है। ये भाई केले लगे थे, कैसे छुपे हुए होते हैं केले ये। चाचू वीडियो ऑन हो गई है ख्याल से, वीडियो ना ऑन करी है। ये सामने बैठे हैं भाई, ये देख छुरी कहाँ है, छुरी किसके पास है? बगल लिया चाचू ने भाई, वाह चाचू ये जिंदा ही रहेगी, जिंदा ही रहेगी। अच्छा 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 ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ये फाख्ता, इसको कहते हैं फाख्ता। ये फाख्ता है भाई, ये चेक करें, इसके यहाँ लगी पर पे, ये टूट गए। चले जिंदा ही, अच्छा छुरी वरना हम लोग लेके आए थे, लेकिन वो बच्चा ले गया शायद। मुदस्सर भाई अब निशाना लगा रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं क्या करते हैं, देखते हैं लगता है कि तो ये निशाना लगाते हैं या निशाना इनको लगाता है। सामने बैठी तो अब देखते हैं जी, मुदस्सर भाई का निशाना चेक करें जी। बस लगते लगते रह गया, जो शिकार था वो भाग चुका है। और अब ये ना पहले शिकार की तलाश करेंगे और फिर निशाना लगाएंगे। शहद की मक्खी, ये तो मूवमेंट हो रही है इसके अंदर, कुछ बड़ी खतरनाक किस्म की मूवमेंट हो रही है यार। ये बड़ी वाली है ना, जिसको बड़े वाले शहद कहते हैं वो। और ये वाले देखो ये भी, वो सामने, ओए होए ये तो इतना बड़ा यार। ये चेक करें, इसके अंदर से तो अच्छी खासी वो निकलनी है। ओ लग गया, लग गया वाह, वो नीचे गिरा, वो देखो पत्ते गिरे। चले भाई यहाँ से तो हमसे तो कोई शिकार हो नहीं रहा, चाचू ने फिर भी एक मारा है, दो मारे, एक हमारा भाग गया, एक कहीं ना खेतों के अंदर गिर गया, तो वो घना था मकई के अंदर, वो नजर नहीं आया। तो ये तो जंगल चेक करें यार, तो यहाँ पे मसला ये है कि तकरीबन हर दरख्त के ऊपर ना शहद बैठी हुई, तो ऐसा ना एक छर्रा भी अगर शहद में लग गया ना तो हम लोग सारे सूजे हुए ही जाएंगे फिर घर। ये सामने देखो ऊँट भी चराने कोई बंदा आया हुआ, ऊँट चर रहे हैं जंगल में भाई। चले भाई चाचू तो आगे जो है शिकार वगैरह ढूंढ रहे हैं, हम लोग आगे निकल आए। शिकार वगैरह वैसे बहुत मुश्किल से मिल रहा है आजकल, क्योंकि टाइम ऐसा है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सुबह रिकॉर्ड कर, सुबह जाके जो है ना शिकार करना पड़ता है, या फिर शाम के टाइम शिकार करना पड़ता है, दोपहर के टाइम शिकार मिल नहीं रहा, तो ये सीन है। नॉर्मल परिंदे तो हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया नॉर्मल परिंदे मारना जो है ना मुनासिब बात नहीं है, सिर्फ वो परिंदों का शिकार करना चाहिए जिसको आप खाएँ, तो इसलिए वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक हमें मिल गया, अल्लाह करे एक दो और मिल जाए, तीन चार हो जाए ना, तो फिर पका के ज़रा बंदा टेस्ट वगैरह कर देता, मुझे बताया गया इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो अब देखते हैं, अब जो आते हैं तो फिर देखते हैं क्या सीन। कितनी हो गई फिर? दो हो गई, एक को लगा उसके पार बहुत गिरे थे, पीछे चली गई उधर।
ये क्या है? अच्छा लेमन, ये देखिए भाई लेमन के पेड़, ये छोटे छोटे अभी लगे हुए। ये चेक करें भाई, एक्सेस चेक करें आप यार, एक्सेस चेक करें, ये देखिए ये एक्सेस चेक करें, जबरदस्त। चलिए भाई साहब एक और नजर आई है, ये बैठी हुई है, देखें ये भी, ये रही भाई साहब ये बैठी हुई है। अब जो है ना आप यहाँ से शॉट लेंगे, देखते लगता है कि नहीं लगता। ओए बच गया, आगे जाके वो बैठ गई, तो अभी आगे चलते। आगे वाले दरख्त पे बैठी है, आगे वाले दरख्त पे बैठी है, ये देखें अरे कितना खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ है, ये देखें बस शुरू करिए, ये देखिए कितना खूबसूरत परिंदा, ये कौन सा परिंदा है? अच्छा नाम नहीं पता।